हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबका स्वादिष्ट, सबको पसंद आने वाला आज हम लोग देखने वाले हैं मसालेदार चिकन, जो बहुत ही मसालेदार, मतलब बहुत मसालेदार नहीं लेकिन खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। और उसका जो ग्रेवी है, उसकी जो ग्रेवी हम लोग बनाएंगे वो बहुत ही चटपटी बनेगी और आसान तरीके से मैं आपको ये बताऊँगी कैसे बनाना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1 किलो चिकन, तो अच्छे से वॉश कर लिया है उसे, बिल्कुल भी 2 से 3 पानी में मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जितना पकाने के लिए हमें ज़रूरत रहता है उतना डाल देंगे। लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे डाल दिया। और बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ टमाटर यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं पकाते समय ही, ताकि उसका जो टेस्ट है, मतलब पकने के बाद उसका जो टेस्ट आता है, सूप जो बनता है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और छोटे बच्चों के लिए भी वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा ऑयल, ताकि अच्छे से पके और पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी 4 से 5 सीटी आने तक हम लोग इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है, तब तक कुछ मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज अच्छे से भूनने के लिए डाल दिए हैं। तो प्याज हमारा अच्छे से भून गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी पूरा 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है सूखा नारियल, वो 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 इंच अदरक के टुकड़े, वो भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसको पूरा काला रंग नहीं आ जाता, मतलब पूरा हमारा जो प्याज और जो नारियल वगैरह लिया है जो बिल्कुल काला नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। मसाला पूरा अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसको ठंडा कर लिया है। अभी डाल देंगे उसको मिक्सी के जार में, प्याज जो हम लोगों ने भून लिया है वो डालेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे नारियल जो भी जो हमने भून लिया था वो, और इसे अच्छे से बिल्कुल बारीक हमें पीसना है। और अब ऐड कर देंगे इसमें बहुत सारा हरा धनिया, और बिल्कुल हम लोग अभी इसे पानी डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेंगे इसकी। तो हमारा जो ये सब्जी का मसाला है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप देखिए कि कितना बारीक मैंने इसे पीसा है, क्योंकि हम लोग जितना बारीक पीसेंगे उतनी उसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो अभी सब्जी बनाने के लिए हम लोग डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम लोग कड़ी पत्ते, क्योंकि कड़ी पत्ते से इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हरे धनिया से और जो हम लोग कड़ी पत्ता डालते हैं उससे सब्जी को बहुत अच्छा टेक्सचर और कलर, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है भुना हुआ मसाला जो हम लोगों ने अच्छे से पीस लिया था, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते वक्त कड़ी पत्ता और जो हम लोगों ने धनिया डाला था वो अच्छे से उसमें मिक्स होना चाहिए, वैसे अच्छे से इसे हम लोगों को पूरा मिक्स कर लेना है। और जब तक इसका तेल नहीं छूट जाता, तब तक इसे हमें फिर से फ्राई करना है। तो मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, कांदा लहसुन मसाला भी डाला है मैंने इसमें, उसके बाद डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। कांदा लहसुन मसाला और जो हम लोगों ने लाल मिर्च पाउडर डाली है वो आप अपने हिसाब से डालें, ताकि जैसे आपको तीखा पसंद हो वैसे। और इसे भी अच्छे से मसाले भूनने चाहिए, इसलिए हम लोग इसे भी तेल छूटने तक अच्छे से पका लेंगे। तो अभी सबसे आखिर में डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम लोग इसमें डालने वाले हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है किचन किंग मसाला, एवरेस्ट का किचन किंग मसाला, वो डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मसाला भूनते वक्त वगैरह ही ऐसे कुछ मसाले डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सबसे आखिर में जाएगा हमारा एवरेस्ट का मीट मसाला, यानी कि मटन मसाला, वो भी डाल देंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग कोई सब्जी वगैरह बना रहे हो, पनीर की वगैरह कोई भी सब्जी हो, तभी हम लोग जो भी मसाला बनाते हैं उसके लिए जो मसाला पीसते हैं तभी उसका मसाला डालना चाहिए, जो भी हो, स्पेसिफिक पनीर मसाला हो, सांभर मसाला हो, तभी डालना चाहिए, क्योंकि उसका जो मसाला है वो मसाले के साथ घुल जाता है और जो टेस्ट है कोई भी सब्जी वगैरह
कौन सा भी मसाला हो तो टेस्ट उसका दुगना हो जाता है। तो अभी हमारा ये मसाला अच्छे से बन गया है, तो अभी डाल देते हैं सब्जी। तो मसाला अच्छे से पक जाने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं चिकन, जो हम लोगों ने इसे बॉईल कर लिया है वो। तो जब भी हमारा मसाला भुनता है तभी तुरंत पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। ये ध्यान रखना है कि हमने जो चिकन बॉईल किया है उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पानी डाला है, तो वो पानी डाल देने के बाद, वो सब कुछ डाल देने के बाद, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि इसमें और पानी होना चाहिए तो ही आप इसे ऐड करें, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ही। तो इसका सूप आपने देखा होगा, तो ये पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। बस कुकर से निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डाल देंगे और छोटे बच्चों को आप दे देंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी पी के देखिए, अच्छा लगता है पीने में, थोड़ा सा मतलब गर्मा गर्म सूप अच्छा लगेगा। तो सब मसाला वगैरह डाल दिया है हम लोगों ने इसमें, तो मुझे लग रहा था कि एक गिलास पानी और चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी और यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अभी हम लोग जब तक अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता तब तक सब्जी को अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए अच्छे से बॉईल आ जाने के बाद सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, चिकन भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल अच्छा टेक्सचर उसको आया है, कलर प्रॉपर टेक्सचर, और उसका जो ग्रेवी रहता है वो भी बिल्कुल प्रॉपर हुआ है, थिकनेस वगैरह। तो ये बिल्कुल अभी रेडी है सब्जी, तो चलते हैं अभी सर्व करने की प्रोसेस में। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा पुनरी चिकन यानी कि बिल्कुल मसालेदार चिकन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो उसके साथ अच्छे से रोटी, राइस, थोड़ा सा सलाद वगैरह सब अच्छे से सर्व करके अभी हम लोग रखने वाले हैं डिश। तो बिल्कुल आसान था ये बनाना, तो आपने देखा, बस हमको मसाला अच्छे से पीसना है, अच्छे से भूनना है, वो आपको याद रखना है। अगर प्रॉपर आपने मसाला वगैरह बनाया तो सब्जी का टेक्सचर हो, कलर हो या टेस्ट हो, बहुत ज़बरदस्त आता है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप ये बिल्कुल ट्राई करके देखिए, और ट्राई करने के बाद मुझे बताना ना भूले कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी। तो बहुत सारा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले।